मनुष्य मात्र बंध हुए यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह विभेद है, परंतु अत्यवेक में प्राण भूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, बंधु का अर्थ होता है भाई या सखा। यही बड़ा विवेक कि हम इस धरती पर आए हैं, हम सभी मनुष्य ने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के भाई बंधु हैं। पराण पुरुष स्वयं तथा पिता प्रसिद्ध एक, और जो हमारे संसार में पिता है वो क्या है, स्वयं यानी ईश्वर जो है, हम उनकी संतान है। और हम यहाँ जब मनुष्य रूप में आए हैं तो एक दूसरे के प्रति हमारा बंधुत्व तो भाई बंधु का रिश्ता है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद, और इस प्रकार से व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं कर्म के अनुसार ही उसमें भेद होते हैं, एक दूसरे के प्रति उनमें कर्म के फल के अनुसार उनकी प्राप्ति होती है। परंतु अगर एक में प्राण भूत भेद है, अनर्थ है कि बंधु की न बंधु की व्यथा करें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए हम इस संसार में आए हैं तो हमें एक दूसरे से भेद नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए। अनर्थ है कि बंधु की न बंधु की व्यथा करें, कि हमें एक दूसरे से बुराई नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य वही कहलाने के योग्य है जो दूसरों की सहायता करे, उसकी उसकी प्रशंसा करे, उसके साथ रहे, किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। ठीक है, चलो। अभीष्ट मां जो है सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न भेद भेद हां बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पथ के सतर्क पथ हो सके, तभी समर्थ भाव में तारता हुआ करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कि ईश्वर सदा एक है, हमें जिस मार्ग पर चलना है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, क्या कहा उन्होंने कि हमें जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग पर हमें सहर्ष खेलते हुए चलना है, चाहे कितनी ही विपत्ति क्यों ना आए, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं उत्पन्न क्यों ना हो, हमें हमारे सामने जो भी विपत्ति आएगी उसको हमें भरते हुए आगे बढ़ना है, अपने जीवन पथ पर आगे चलना है। घटे न भेद भेद हाँ बड़े न भिन्नता कभी, के किसी भी प्रकार का जो हमें आपस में मेल जोल घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अतर्क वितर्क अतर्क एक पथ के सतर्क पथ हो सके, हमें किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए और उसके साथ चलना चाहिए। तभी समर्थ भाव में के तारता हुआ करे, और सबके साथ समर्थ भाव से हमें कार्य करना चाहिए, तभी हमारा जीवन क्या करता है, करता है, मतलब हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और जिस प्रकार से इंसान वही कहलाता है, मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, एक दूसरे का साथ में लेकर चलता है, विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसको हमेशा हंसी खुशी ढकेलते हुए आगे बढ़ाता है।